CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम आंख। आलेख मधुपंत का है और इसे प्रस्तुत कर रही हैं धृति चौधरी। बच्चों, आज तो मैं तुम्हारे लिए एक नई चीज लाई हूं। तुम भी सोचोगे कि क्या चीज? ये है एक नई पहेली। जरा सुनो और सुनकर बूझो तो। सबको लगती हूँ मैं प्यारी, सबको लगती हूँ मैं प्यारी, तुम्हें दिखाती दुनिया सारी। जब भी बंद मुझे तुम कर लो, दुनिया हो जाती अंधियारी। बोलो बोलो मैं हूँ कौन, तो झटपट बोलो क्यों हो मौन। हाँ तो भाई बोलो, मैं कौन हूँ? बोलो बोलो। अरे नहीं पहचान पाए? जरा सोचो तो भाई, नहीं समझ पाए? अच्छा तो मैं इस पहेली का अता पता बताती हूँ। लो सुनो। मुझे बंद कर तुम सोते हो, मुझे बंद कर तुम सोते हो, मीठे सपनों में खोते हो। जैसे ही मैं खुल जाती हूँ, सोते सोते तुम जगते हो। अब बोलो तो मैं हूँ कौन, भाई झटपट बोलो क्यों हो मौन। हाँ अब तो तुम पहचान गए होगे। तो बोलो भाई मैं कौन हूँ? हाँ मैं हूँ आंख, तुम सबकी आंख। जरा अपनी आंखें बंद करो तो। कर ली? अब हो गया ना अंधेरा। और अब आंखें खोलो। अब चारों ओर उजाला ही उजाला है, है ना? तो बच्चों ये हमारी आंख ही है जो हमारे चारों ओर तरह तरह की चीजें दिखाती है। आंखों से ही हम रंग बिरंगे फूल देखते हैं, आंखें ही हमें हरे भरे पेड़ दिखाती हैं, नीला आसमान और आसमान में उड़ते रुई जैसे सफेद सफेद बादल। आंखों से ही तो हम देखते हैं रंग बिरंगी चिड़ियां और तितलियां, आंखें ही दिखाती हैं। आंखों से ही हम किताब भी पढ़ते हैं। हमारे चारों ओर जितनी भी चीजें हैं ना, सभी हम अपनी आंखों से देखते हैं। यदि आंखें ना हो तो हम कैसे अपने चारों ओर की सुंदर सुंदर चीजें देख पाएंगे? इसलिए आंखें हमें सबसे प्यारी हैं। अरे भाई तुम्हारी अम्मा प्यार में कहती हैं, मुन्ना तो मेरी आंखों का तारा है। मतलब ये है कि मुन्ना आंखों की तरह प्यारा है। देखने का काम तो आंख करती ही है। इसके अलावा जब कभी अम्मा को धमकाना होता है ना, तो वो आंखें दिखाकर तुम्हें डराती हैं, डराती हैं ना? और जब तुम रोते हो तो तुम्हारी आंखें कैसी हो जाती हैं? गीली गीली आंखों से आंसू निकलते हैं ना? एक काम और है जो तुम अक्सर आंखों से करते हो, वो क्या है? निशाना लगाने का, धनुष बाण से या गुलेल से
किसी भी चीज पर निशाना लगाना हो तो आंखें ही काम आती हैं। अरे भाई, जब तुम सतोलिया का खेल खेलते हो ना, तो सात छोटे-छोटे पत्थर के टुकड़े एक के ऊपर एक इस तरह रख लेते हो। फिर क्या करते हो? दूर खड़े होकर गेंद से उन्हें गिराने के लिए निशाना लगाते हो। लगाते हो ना निशाना? कैसे लगाते हो? एक ठक। हां, एक आंख बंद करके जरा बताओ तो कैसे? बस भाई बस, लग गया निशाना। अच्छा बच्चों, अब जरा एक दूसरे की आंखें देखो तो। तुम्हें आंखों के बीच में एक गोल-गोल काला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना? और इस गोल भाग के चारों ओर सफेद-सफेद भाग है। जो बीच वाला काला भाग है, उसे कहते हैं आंख की पुतली। क्या कहते हैं? आंख की पुतली। हमें इस पुतली से ही दिखलाई पड़ता है। आंखों को ऊपर से ढकने के लिए बनी हुई है पलकें। ये पलकें हमारी आंख का दरवाजा है। दरवाजा। जब आंख खोलनी हो तो पलकें खोल दी, और जब बंद करनी हो तो पलकें बंद कर दी। बच्चों, एक बार की बात है कि आंख की पुतली और पलक में होने लगी बातचीत। अरे अरे, ये मच्छर तो घुसा चला आ रहा है मेरी आंख में। हट हट,
ने तो पलक को भी नाराज कर दिया। मुझे तो अब मालूम हुआ कि पलक का काम तो बहुत जरूरी है। अगर पलक ना हो तो धूल, मिट्टी, कंकड़, कीड़े मकोड़ों से तो आंखें ही खराब हो जाएंगी और मैं देख भी नहीं पाऊंगी। अब तो मैं झटपट पलक बहन से माफी मांगती हूँ। पलक बहन, पलक बहन, मुझे माफ कर दो बहन। अपने घमंड में मैं तुम्हारी मदद करने की बात ही भूल गई थी। मुझसे गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का बड़ा दुख है। तुम्हारे बिना तो मेरा काम चल ही नहीं सकता। तुम अपना काम शुरू कर दो, नहीं तो मैं देख भी नहीं पाऊंगी मेरी अच्छी बहन। कोई बात नहीं पुतली रानी, लो अब मैं बंद हो जाती हूँ। अब कुछ नहीं घुस पाएगा तुम्हारी आंखों के अंदर, न धूल, न धुआं, न कंकड़, न मिट्टी और न मक्खी मच्छर। प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।